ओके तो लास्ट लेक्चर में उन्होंने क्या देखा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में देखा है ना। आज हम लोग देखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड, ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, एक रीजन होता है, क्या होता है, एक रीजन होता है जहाँ पे कोई थर्ड कोई सेकंड मास उसमें फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स। जैसे अर्थ है, अर्थ का अपना ग्रेविटेशनल फील्ड है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई दूसरा मास आएगा तो उस पर वो क्या एग्जर्ट करेगा, फोर्स एग्जर्ट करेगा। जैसे मान लेते हैं अर्थ है, क्या है ये अर्थ। अब इसका ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये सभी क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है इसका। तो इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर कोई तीसरा मास, कोई दूसरा मास आएगा तो ये क्या करेगा, इस पर फोर्स एग्जर्ट करेगा। क्या एग्जर्ट करेगा, फोर्स। क्या एग्जर्ट करेगा बच्चा, फोर्स। इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। और इस फील्ड को, इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं, है ना। तो अगर सपोज यहाँ पे इस पॉइंट पे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड का इंटेंसिटी E है, क्या है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड का इंटेंसिटी E है, तो अगर मैं इस पॉइंट पे कोई मास m रखता हूँ तो उस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा बच्चा, m इंटू E। क्या लगेगा, m इंटू E, ओके, क्या लगेगा, m इंटू E। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ईजी, ग्रेविटेशनल फील्ड ईजी रखो, कितना आ जाएगा आपका, एफ जी बाई एम। अगर हमारा एम इज इक्वल टू वन यूनिट हो जाए तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगा, एफ जी। दैट मीन्स अगर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन करना हो इंटेंसिटी को, तो कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज फोर्स एक्टिंग ऑन ए वन यूनिट मास इन द फील्ड ऑफ एनदर मास, ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड को अगर हमें डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे बच्चा लोग, अगर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन करना तो कैसे डिफाइन करेंगे, सिंपल मैंने यहाँ बता दिया। देखो भी ये चैप्टर आपका ट्वेल्थ में एक चैप्टर है जिसके बिल्कुल सेम है, हर चीज़ सेम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहाँ पे चार्ज होता है, यहाँ पे मास होता है, एवरीथिंग भाई, एवरीथिंग, एवरी, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम, है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स, यहाँ पे पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, एंड ऑल दोस थिंग, हर चीज़ सेम है भाई, हर चीज़, है ना। तो ग्रेविटेशनल फील्ड होता क्या है, है ना, फील्ड देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड नियर एरिया ऑफ, एरिया सराउंडिंग अ मास, क्या लिखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड का डेफिनेशन लिखें अगर हम लोग, तो एरिया सराउंडिंग अ मास वेयर अनदर मास एक्सपीरियंसेस ग्रेविटेशनल फोर्स, is known as gravitational field of that mass, is known as gravitational field of that mass। ये चैप्टर आपके भी, तुम लोग स्कूल एग्जाम के लिए पढ़े, जब कॉम्पिटेटिव सेक्शन के पढ़ाए तो वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ पढ़ाया जाता था, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो जैसे अभी हमने बताया, अर्थ अपने चारों तरफ क्या क्रिएट किया, ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर अर्थ के उस फील्ड में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आता है तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, है ना। तो सपोज F, ग्रेविटेशनल फोर्स F G इज इक्वल टू एम इंटू ई जी, जहाँ पे ई जी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड,
है ना। अगर मैं सिर्फ दो मास रखूं, सपोज M1, ये कैपिटल M, सपोज इससे यहाँ पे एक छोटा सा मास मैंने स्मॉल m रख दिया r डिस्टेंस पे, तो बताओ इन दोनों पे कितना फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल। जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई r स्क्वायर, इतना फोर्स लगेगा। अगर हमें इस पॉइंट P पे अगर हमें इस पॉइंट P पे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड पता लगाना है, तो इस फार्मूले को ध्यान से देखें। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इजी क्या होता है, एफ जी बाई एम। तो इजी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ जी कितना दोनों के बीच, कैपिटल जी एम इंटू स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे एम, एम सेम खत्म। तो इजी कितना जाएगा, कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। मतलब क्या है, मतलब क्या है कि इस पॉइंट मास की वजह से पॉइंट पी पे ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर, है ना। यानी कि इस एम की वैल्यू को अगर हम सिंपली बोले ना कि ये मास अपने चारों तरफ क्या क्रिएट किया, ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर हम लोग यहाँ कोई पार्टिकल रखेंगे उस पर फोर्स लगेगा, सिंपल सी बात है। कितना फोर्स लगेगा, एम इंटू ईजी, जहाँ पे ईजी क्या, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पॉइंट। तो इस पॉइंट पे हमको निकालना है, तो इस पॉइंट पे ये मास हम लोग ला के रखे तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पे अगर हमें इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड पता हो तो हम लोग का एम इंटू ईजी, तो ईजी इक्वल टू क्या जाएगा, एफ जी बाई एम। या अगर हम लोग सिंपली बोलें, अगर एम की वैल्यू मैं वन ले लूँगी, ये टेस्ट मास का वैल्यू मैं वन ले लूँ, तो एफ जी कितना जाएगा, ईजी। तो यहाँ पे अगर टेस्ट मास की वैल्यू मैंने वन ले लिया, वहाँ पे इसकी वैल्यू m ले लिया, तो एफ जी किसके बराबर आया, ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल जी m बाई आर स्क्वायर, इसके बराबर आ गया, है ना। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस, इट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई अ यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड इन द फील्ड ऑफ अनदर मास। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। फिलहाल इसके बारे में हमको नहीं लिखना है, तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड बाय ए पॉइंट मास हम लोगों को सिंपली पढ़ लेना है, क्या है, कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। कितना, कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। अर्थ के केस में इसी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड को हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। किस नाम से बच्चा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के नाम से जानते हैं। जैसे मान ले ये कोई पॉइंट मास है एम, इससे r डिस्टेंस पे यहाँ पे पॉइंट P पे अगर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी कितना जगह, कैपिटल G m बाई r स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स द मास e g, दिस इज द डायरेक्शन। ओके, दिस इज द इंटेंसिटी। अगर हमें यहाँ पे निकालना है इस पॉइंट मास की वजह से, तो इस पॉइंट मास से इस पॉइंट का डिस्टेंस सपोज r1 है, तो इस पॉइंट मास पे डायरेक्शन क्या होगा, e g, और मैग्नीट्यूड कितना होगा, g कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। ओके, सब कुछ, ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी, कैसे क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे ज़्यादा पढ़ना है इसके बारे में, वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे क्वांटिटी है बच्चा, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, इसी ग्रेविटेशनल फील्ड को हम लोग अर्थ के केस में क्या जानते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। नोट करते चलो, बहुत सिंपल है भाई, आपको आगे पढ़ना है। इसी ग्रेविटेशनल फील्ड को अर्थ के केस में हम लोग इंटेंसिटी, इस ग्रेविटेशनल फील्ड के इंटेंसिटी को अर्थ के केस में हम लोग इसको किससे जानते हैं बच्चा, किस नाम से जानते हैं इसको, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जिसको हम लोग स्मॉल जी से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, स्मॉल जी से नाम से जानते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक वो है, नोट कर लो कि दिस इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज नोन एज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इन केस ऑफ अर्थ या अदर प्लैनेट। ठीक है, तो नेक्स्ट राइट डाउन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ।
ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ, ओके, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ। तो ये हम लोग सिंपली लिखें क्या, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, सिंपली ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ क्या लिखेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ, ओके, या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सिंपल इसको बोल सकते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो इस केस में देखो है क्या, अर्थ है, ये मान लेते हैं ये अर्थ है ना, या सिंपली लिख सकते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, मान लेते हैं ये अर्थ है, इसका मास एम ई है, रेडियस आर ई है, मास एम ई रेडियस आर ई, मास कितना एम ई रेडियस आर ई, तो ये जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है सरफेस पे कितना है, तो हम जानते हैं सरफेस पे कितना होता है स्मॉल जी, जिसका वेल 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यहाँ पे सरफेस जैसे हम लोग आगे की तरफ जाएंगे वहाँ पे कितना है, सरफेस पे अंदर कितना है, अर्थ के अंदर। तो हमको तीन पॉइंट पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना, पहला एट द सरफेस ऑफ अर्थ, दूसरा आउटसाइड आउटसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ, तीसरा इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, तो ये पॉइंट पी जब आउटसाइड है, जब पॉइंट पी जब सरफेस पे, जब पॉइंट पी किसी इनसाइड पे, तीन जगह पे हमको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ना है। ओके, तो फर्स्ट हेडिंग डालें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ, फर्स्ट पॉइंट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ, है ना। चलो मान लेते हैं कोई मास, सॉरी अर्थ, अर्थ का मास एम ई है, रेडियस आर ई है, अर्थ का मास एम ई है, रेडियस कितना है आर ई है, हमने मान लिया यहां पे कोई मास रख दिया छोटो सा स्मॉल एम, तो अर्थ के कंपैरिजन में क्या ये ऑब्जेक्ट काफ़ी छोटा होगा, हम लोग पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हैं। अब हमने बताया था कि अगर एक सपोज बड़ा स्फेयर है, एक पॉइंट मास है, छोटा स्फेयर है, तो हम लोग डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से मेजर करते हैं, कहाँ से, सेंटर से, तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना आ जाएगा बोलो, आर ही हो जाएगा, इसके अर्थ के सेंटर से मेजर करेंगे ना डिस्टेंस। अब ये ऑब्जेक्ट को तो इतना छोटा है कि सेंटर से डिस्टेंस होगा वो इसके सर्फेस से भी हो जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत है नहीं। तो बताओ इन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, कैपिटल जी एम ई एम बाई आर ई स्क्वायर, है ना। ऐसे अर्थ इस ऑब्जेक्ट को ऐसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी। और हमको इक्वेशन नंबर वन, हमको ये भी पता है कि अर्थ अगर यहाँ पे सपोज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी है सरफेस पे, तो अर्थ इसको अपनी तरफ कितने फोर्स से पुल कर रही होगी, एम जी फोर्स से, तो ये एफ किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर होगा, इक्वेशन नंबर टू, जहाँ पे स्मॉल जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट द सरफेस ऑफ अर्थ, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो तो क्या आ जाएगा, एम जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई एम बाई आर ई स्क्वायर, ये एम से एम कैंसल आउट हो जाएगा तो स्मॉल जी क्या आ जाएगा, कैपिटल जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ
सरफेस ऑफ अर्थ पे भाई कितना होता है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखें आर ई का वैल्यू हम लोग लिखें 6400 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, मास ऑफ अर्थ अप्रॉक्सीमेटली 6 × 10⁻²⁴ kg, यहाँ पे मैं इस इक्वेशन में रखूँ तो जी का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 9.81 m/s² आएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट द सरफेस ऑफ अर्थ। नोट करो फटाक से, दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट द सरफेस ऑफ अर्थ। कितना है? स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई बाई आर इस पर। बिल्कुल कहानी की तरह पढ़ते चले जाना है ना, डायरेक्ट आपके स्कूल एग्जाम में ऐसे पूछेगा, फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी कैपिटल जी। तो बताओ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन किसी भी प्लैनेट का किस पे डिपेंड कर रहा है? ये तो कांस्टेंट है, मास ऑफ प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? मास ऑफ रेडियस एंड प्लैनेट ऑफ रेडियस। फिलहाल उस पे मैं आने वाला हूँ, पहले हम लोग वेरिएशन इसमें इन स्मॉल जी पढ़ लेते हैं, फिर उसे पढ़ते हो। तो नाइन्थ की चीज़ है ना, अभी मैं पूछो कि मून पे जी का वैल्यू कितना होता है, 1/6 होता है, तो अर्थ पे वेट 100 न्यूटन है, तो मून पे कितना वेट होगा सब तुम लोग बता सकते हो। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट सरफेस ऑफ अर्थ। तो सरफेस ऑफ अर्थ पे ध्यान से देखो तो अप्रॉक्सीमेटली कॉन्स्टेंट है। अब हाँ, इक्वेटर पे कम होता है, पोल पे ज़्यादा होता है, क्योंकि अर्थ जो है वो कैसी होती है, थोड़ी सी अंडाकार होती है, एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं है। बट हम यहाँ पे अगर एग्जैक्टली सर्कुलर कंसीडर करें तो सरफेस ऑफ अर्थ पे सेम रहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट हाइट h फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, सेकेंड पॉइंट ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट हाइट h फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ, चलो मान लेते हैं अर्थ, मान लेते हैं ये अर्थ है, ठीक है। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है स्मॉल m का, और इनके सेंटर से जो डिस्टेंस है इनकी वो कितनी है, स्मॉल r, ओके। तो सरफेस से हाइट कितना हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट का, h, कितना हो जाएगा h, और ये तो सेंटर से इसके सरफेस तक का रेडियस कितना हो जाएगा r e, मास इसका है m e, इसका मास है m, इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे इस मान लेते हैं कितना है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जी डैश है, कितना है जी डैश। तो बताओ अभी इन दोनों अर्थ और इस मास के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ दिस डिवाइड बाय सेंटर से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आर स्क्वायर, इज दैट क्लियर। अच्छा, अगर यहाँ पे अर्थ के वजह से ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी डैश है तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा होगा, बोलो, एम जी डैश, इज दैट क्लियर, बोलो। इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, इज दैट क्लियर और नॉट? तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लिख देंगे हम लोग, एम जी डैश इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर, एम से एम कैंसल, तो जी डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल जी एम ई बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर क्या है, अर्थ के सेंटर से उसका डिस्टेंस, अर्थ के सेंटर से उसका डिस्टेंस, किसका, इस पॉइंट का, जिस पॉइंट पर हमको ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन निकालना है। तो बताओ अर्थ के सेंटर से जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे, सॉरी यहाँ से यहाँ तक तो बढ़ता है, खैर अब इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्मॉल r की जगह पे मैं क्या आर ई प्लस एच लिख सकता हूँ, यस yes. तो लिख देते हैं जी डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी एम ई बाई आर ई प्लस एच होल स्क्वायर, इज दैट क्लियर। ये हो गया वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट। अब h का वैल्यू ज़्यादा होगा जितना g का वैल्यू उतना कम होगा, दैट मीन जैसे जैसे हम लोग सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं
तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होता है, घटता जाता है। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होता जाता है बच्चा, घटता है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे अर्थ के सरफेस से, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का वैल्यू घटेगा। इस फार्मूले से भी एच जितना ज़्यादा होगा ये उतना ज़्यादा होगा और ये वैल्यू उतना कम होगा, है ना। अब मैं इसी में थोड़ा सा फार्मूला मैं बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जी डैश इज इक्वल टू जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, मैंने कॉमन निकाल लिया, तो इधर क्या बच जाएगा, वन प्लस एच बाई आर ई होल स्क्वायर। तो जी डैश इज इक्वल, इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर इंटू वन प्लस एच बाई आर ई टू द पावर माइनस टू। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, है ना। अब इस यहाँ पे हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देते हैं, तो क्या जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर वन माइनस टू एच बाई आर ई प्लस हायर ऑर्डर टर्म प्लस हायर ऑर्डर टर्म, है ना। अब h अगर सपोज छोटा है तो हायर ऑर्डर टर्म कैन बी नेग्लेक्टेड, तो g डैश क्या आ जाएगा, अच्छा ये क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट द सरफेस ऑफ अर्थ, जिसको हम लोग स्मॉल g कहते हैं, तो ये आ जाएगा स्मॉल g वन माइनस टू एच बाई आर ई, जी डैश इज इक्वल टू जी स्मॉल g वन माइनस टू एच बाई आर ई। इज दैट क्लियर, नोट करो। तो यहाँ पे ध्यान की जैसे एच बढ़ेगा जी का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो नोट करो, विथ हाइट, विथ हाइट वैल्यू ऑफ स्मॉल जी डिक्रीजेस, विथ हाइट वैल्यू ऑफ स्मॉल जी डिक्रीजेस। अब ध्यान से देखो, ये फार्मूला तब आया है जब यहाँ पे हमने कुछ नेग्लेक्ट किया है, एजम्पशन लिया है, दैट मीन्स व्हेन एच इज लेस देन आर ई, है ना, तब ये चीज़ आया है। तो ये हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं है, ये तभी एप्लीकेबल है व्हेन एच इज लेस देन आर ई। 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर यहाँ, या 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, इस जगह पे। तो ये फार्मूला आपको सिर्फ एग्ज़ाम में डिराइव करने के लिए अप्लाई लगाना है, बाकी कैलकुलेट इस फार्मूले से करना है, जी डैश इज इक्वल टू जी एम ई बाई आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। ओके, कैलकुलेट किस फार्मूले से करना है, इस फार्मूले से। ओके, अच्छा यहाँ तक नोट कर लिया, चलो। तो वेरिएशन ऑफ जी हम लोगों ने एच के साथ निकाल लिया। अगर मैं तो एट एनी हाइट जी डैश का फार्मूला ये आ गया, एच रियल फार्मूला यही है, वो जो हमने ड्राइव किया उसको आप स्कूल एग्जाम के लिए जस्ट देख लेंगे उसको, ठीक है। क्वेश्चन जो सॉल्व करना होगा वो इससे सॉल्व करना होगा, क्वेश्चन आपका इससे सॉल्व करना होगा। तो ये तो h हाइट पे हो गया, सरफेस पे कितना था, जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, मान लेते इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर वन। तो टू को वन से डिवाइड कर दो, सॉरी इक्वेशन वन डिवाइडेड बाई टू, तो क्या आ जाएगा, जी डैश बाई जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इधर, जी एम ई बाई आर ई प्लस एच होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। तो जी एम ई से जी एम ई कैंसिल, आर ई ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, आर ई स्क्वायर बाई आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। तो जी डैश बाई जी क्या आ जाएगा बच्चा, यहाँ से आर ई बाई आर ई प्लस एच होल स्क्वायर, या यहाँ से जी डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी इंटू आर ई बाई आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर। तो जी डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, जी इंटू आर ई बाई आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इसी फार्मूले का यूज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इसी फार्मूले का यूज करना है। बाकी जो हमने 1 माइनस टू एच बाई आर ई लगाया वो किसके साथ था, एजम्पशन के साथ था, किसके साथ था, एजम्पशन के साथ था, तो हर जगह पे वो वैलिड नहीं, वो तब वैलिड है जब h जो है वो छोटा हो। देखिए यहीं से वो चीज़ भी मैं ला सकता हूँ, कैसे, स्मॉल g डैश इतना आया ना, g डैश कितना आया आपका, g इंटू आर ई बाई आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, g डैश इज इक्वल टू g
इंटू वन बाई आर ई प्लस एच बाई आर ई होल स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो अब इस वाले नेचुरल टर्म को ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा, जी इंटू आर ई प्लस एच बाई आर ई माइनस होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? या यहीं से आप देख सकते हो, सिंपल मैथ, जी डैश इक्वल क्या आएगा, जी इंटू वन प्लस एच बाई आर ई होल स्क्वायर, या जी डैश इज इक्वल टू क्या, इसको बायनोमियली एक्सपेंड कर दोगे तो आ जाएगा वन माइनस टू एच बाई आर ई। और ये कब वैलिड है, व्हेन एच इज लेस देन आर ई। आपको भी देखना, ये एक्सपेंशन होकर प्लस और टर्म भी आते हैं, बट वो हायर ऑर्डर टर्म होते हैं, एच लेस देन आर ई हो तो और स्मॉल होते हैं, तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो आपको यहाँ से ये स्टेप रखना होगा एग्जाम के लिए, ठीक है। बाकी आप मैथ्स में जब बायनोमियल एक्सपेंशन पढ़ोगे तो आपके लिए आसान लगेगा, ठीक है। तो ये जी डैश इज इक्वल टू आ गया स्मॉल जी इंटू वन माइनस एच बाई आर ई। तो ये जो फार्मूला है जी डैश इक्वल टू जी इंटू आर ई बाई आर ई प्लस एच वैलिड एवरीवेयर, दिस इज वैलिड एवरीवेयर, ठीक है। ये जो फार्मूला है जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू वन माइनस टू एच बाई आर ई वैलिड व्हेन आर एच इज लेस देन आर ई। और सरफेस पे कितना है, सरफेस पे तो इतना ही होता है जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, है ना। इज दैट क्लियर? तो सरफेस पे जो अर्थ जी का वैल्यू होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इवन 0 से 10 किलोमीटर तक हम लोग क्या लेते हैं, जी का वैल्यू इतना ही लेते हैं। 10 से अप्रॉक्स 300 किलोमीटर तक हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, और 300 किलोमीटर से अबव है तो हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो आपके जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये फार्मूला अप्लाई करना, दिस इज द रियल फार्मूला, ये आपको स्कूल एग्जाम के लिए याद रखना है ये वाला, ठीक है। चलो अभी जल्दी जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ वेयर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बिकम्स जी बाई फोर। ओके, हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ वेयर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बिकम्स जी बाई फोर, ये हम लोगों को बताना है। ओके, मास ऑफ अर्थ 6 × 10^24 kg, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए 6400 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3200 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1600 किलोमीटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलो जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इन दोनों में से, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, फटाक से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलो देखते हैं, तो कितना हो जा रहा है, एच हाइट पे मान लेते हैं जी डैश कितना हो गया, जी का वैल्यू जी बाई फोर हो, तो हमारे पास फार्मूला क्या है, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू आर ई बाई आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। तो जी डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, जी बाई फोर, तो जी बाई फोर इज इक्वल टू जी इंटू आर ई बाई आर ई प्लस एच होल स्क्वायर, जी से डी खत्म। तो ये 1/4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर ई बाई आर ई प्लस एच होल स्क्वायर, दोनों साइड रूट ले लो तो कितना आ जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू आर ई बाई आर ई प्लस एच। सॉल्व करेंगे तो एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर ई, आर ई का मतलब रेडियस 6400 किलोमीटर है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट, फटाक से नोट करो।
नोट कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ वेयर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बिकम्स वेयर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन डिक्रीजेज डिक्रीजेज बाय 75%। ऑप्शन ए एच इज इक्वल टू आर ई, ऑप्शन बी एच इज इक्वल टू आर ई बाय 2, ऑप्शन सी एच इज इक्वल टू 2 आर ई, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। चलो फटाक से बता दो कौन सा करेक्ट है, फटाक से बता दो। फटाफट बता दो, चलो देखते हैं। तो 75% घट जा रहा है, तो बच कितना रहा है 25%, यानी कि जी का 25% बच रहा है। तो जी का 25% कितना है, 25/100 कितना जाएगा, जी बाई 4। तो अभी यानी कि उस एच हाइट पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी डैश कितना हो रहा है, जी बाई फोर। और अभी हम लोगों ने सॉल्व किया कि जी बाई फोर कितने हाइट को होता है, एच इज इक्वल टू आर ई पे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ वेयर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन डिक्रीजेज बाय 36%। कितना डिक्रीज हो रहा, 36%। चलो जल्दी से बता दो, ऑप्शन ए 1.6 × 10⁶ meter, ऑप्शन बी 2.4 × 10⁴ meter, ऑप्शन सी 6.4 × 10⁶ meter, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलो जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन कर, कहाँ पे जी का वैल्यू 36% डिक्रीज हो जाएगा। तो 36% डिक्रीज, चलो जल्दी से देखा, चलो 36% अगर डिक्रीज हो जाए तो बच कितना रहा है उस पॉइंट पे, 64%। यानी कि एच हाइट पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना बचा, 64% ऑफ अर्थ, यानी कि जी का 64%। ऐसे कर सकता हूँ मैं इसको, है ना, तो ये कितना 64 g/100 इतना बचा, यानी कि जी डैश का वैल्यू इतना बचा। अब फार्मूले से जी डैश का वैल्यू होता कितना, जी इंटू आर ई बाई आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। जी डैश का वैल्यू 64 g/100 इज इक्वल टू जी इंटू आर ई बाई आर ई प्लस एच। तो जी से जी क्रैश कैंसल, तो ये होल स्क्वायर सॉरी, तो 64 by 100 इज इक्वल टू आर ई बाई आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। रूट ले लो तो क्या आ जाएगा, 8/10 इज इक्वल टू आर ई बाई आर ई प्लस एच। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 8 आर ई
प्लस 8h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10re, उसको उधर भेज दो क्या बचेगा 8h इज इक्वल टू 2re, तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा re/4। re/4 का मतलब re का वैल्यू कितना होता है 6400 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आएगा 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर को मैं कैसे ले सकता हूँ 10^3 मीटर, इसको मैं क्या ले सकता हूँ 1.6 × 10^6 मीटर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। दिस इज द वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ हाइट। नेक्स्ट लिखो वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन विथ डेप्थ। वेरिएशन इन स्मॉल जी विथ डेप्थ, ओके। तो मान लेते हैं ये अर्थ है, क्या है ये अर्थ, ये अर्थ का सेंटर हो गया। अर्थ के सरफेस से डी डिस्टेंस नीचे यहां पे, और ये कितना है डी, इस पॉइंट पी पे हमको ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन निकालना है। क्या निकालना है तो बताओ, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लिया मैंने स्मॉल आर, तो ये पूरा कितना है रेडियस स्मॉल डी को मैं क्या ले सकता हूं आर ई माइनस ओ सॉरी स्मॉल आर को मैं क्या ले सकता हूं आर ई माइनस डी, यही ना होगा, ये पूरा आर ई है ये डी है, तो ये कितना हो जाएगा आर ई माइनस डी। अब इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड या जी का वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से एक सर्कल बना दिया। तो अब क्या होगा इतने मास, ये एक गोला हो गया आपका मास है ना, अब ध्यान से देखें इस रीजन में जो मास है, इस रीजन में जो मास है, इस रीजन में जो मास है उसकी वजह से नेट ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पॉइंट पी पे क्या होगा जीरो, नेट ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पॉइंट पी पे क्या होगा जीरो। इसको न्यूटन सेल थ्योरम से बता सकते हैं, न्यूटन सेल थ्योरम क्या कहते हैं, मान लो एक हॉलो स्फेयर है, क्या एक हॉलो स्फेयर है, तो हॉलो स्फेयर है इसके किसी भी पॉइंट पे अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, हर पॉइंट पे क्या होता है जीरो। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग इस पॉइंट पे निकालें यहाँ से एक सर्कल ऐसे ड्रॉ करें तो ये तो एक हॉलो स्फेयर, इसके अंदर कोई मास ही नहीं है, तो इस पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा जीरो, क्या होगा जीरो, ये हॉलो स्फेयर के लिए। तो बोलते हैं यहाँ पे हॉलो तो है ना, होती नहीं अर्थ, सॉलिड होती है। तो इस पॉइंट पी पे, पॉइंट पी पे जो इतना मास होगा इतने पार्ट का, उसकी वजह से होगा पॉइंट पी पे ग्रेविटेशनल फील्ड। जो ये मास आप देख रहे हो इसकी वजह से भी यहाँ पे होगा, बट नेट जीरो होगा, इन इस पूरे की वजह से नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इस पे जीरो होगा, तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते। तो अब बताओ, सिंपल है, ये हमारे पास अब एक सिंपल अर्थ का एक पार्ट बचा सर्कुलर, रेडियस कितना है स्मॉल आर, और इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना, मान लेते हैं इसका इस मास बचा स्मॉल एम। तो इस पॉइंट पी पे सरफेस पे यानी कि सेंटर से आर डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी डैश क्या हो जाएगा जी मास ऑफ दिस स्फीयर एम बाई आर स्क्वायर। अब इतने पार्ट का मास कैसे निकालोगे, इतने पार्ट के अर्थ का मास कैसे निकालोगे, सिंपल बताओ, हम लोग अर्थ का डेंसिटी निकाल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ अर्थ कितना आ जाएगा रो, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ 4/3 πr³। ये डेंसिटी निकल गया, तो मास क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो इतने पार्ट का मास कितना आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ अर्थ इंटू इतने पार्ट का वॉल्यूम, इतने पार्ट का वॉल्यूम कितना आ जाएगा 4/3 πr³। तो स्मॉल एम कितना आ जाएगा हमारा एम ई बाई 4/3 πr³ × 4/3 πr³, ये ख़त्म। तो स्मॉल m कितना आ गया यहाँ से बच्चा, एम ई
बाई आर ई क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब, तो यहाँ पे रख दो तो जी डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी इंटू एम ई बाई आर ई क्यूब इंटू आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब बाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये इससे ख़त्म हो जाएगा एक, तो क्या बचेगा, जी डैश इज इक्वल टू जी एम ई बाई आर ई क्यूब इंटू स्मॉल आर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जी डैश इज इक्वल टू जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर इंटू स्मॉल आर बाई आर ई, ये चीज़ क्या है, स्मॉल जी है, तो जी डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, जी इंटू स्मॉल आर बाई आर ई। अब यहाँ से ध्यान से देखो, ये सरफेस ऑफ अर्थ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, तो जी डैश कैसे है, प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर के, जी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। और ये स्मॉल आर कहाँ से मेजर किया, सेंटर से, दैट मीन्स अर्थ के सेंटर से हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे ऐसे 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 ऐसे, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बढ़ रहा है कहाँ तक, सेंटर तक, कहाँ तक, सेंटर तक। और अगर हम लोग यहाँ से नीचे जाएंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या हो, घटेगा। चलो देख लेते हैं, तो यहाँ से मैं देखूँ तो जी डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी बाई आर ई इंटू स्मॉल आर की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ आर ई माइनस डी, तो जी डैश क्या आ जाएगा यहाँ से, जी इंटू वन माइनस डी बाई आर ई, जी डैश कितना का, जी वन माइनस डी बाई, डी क्या है, डेप्थ फ्रॉम सरफेस, ये यहाँ से इस डी को मेजर किया, ये डी है, तो ये डी बढ़ेगा, यानी कि जैसे जैसे हम लोग अंदर जाएंगे जी का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो हम लोग सरफेस से ऊपर जा रहे हैं तो जी का वैल्यू घट रहा है, अर्थ के सरफेस से नीचे आ रहे हैं तो जी का वैल्यू घट रहा है, तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम हो रहा है, और कहाँ पर मैक्सिमम होता है, सरफेस ऑफ अर्थ पे, कहाँ पे होता है, तो नोट कर ले आप इस पॉइंट को कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज मैक्सिमम एट सरफेस ऑफ अर्थ, एज वी गो इनसाइड अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन डिक्रीजेज, एज वी गो अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन डिक्रीजेज, एंड एट सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज मैक्सिमम। ओके नोट कर लो, चलो ये वाला फार्मूला याद रखेंगे, ठीक है, अभी मैं पूछूंगा, अभी जरूरत पड़ेगी उसकी। ठीक है चलो क्वेश्चन, कैलकुलेट डेप्थ वेयर स्मॉल जी बिकम्स जीरो, डेप्थ फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, ऑप्शन ए 6400 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3200 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1600 किलोमीटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलो बताना है कहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, किस डेप्थ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जीरो हो जा रहा है। जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, घट रहा है, जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, तो कहीं ना कहीं जीरो हो जाएगी, तो कहाँ पे जीरो है वो बताना है। चलो जल्दी से बता दो, चलो ऑप्शन ए करेक्ट है, कैसे ध्यान को, जी डैश डेप्थ के साथ वेरिएशन क्या है, जी डैश वन माइनस डी बाई आर ई, तो जी डैश को क्या हो जाना, जीरो, तो जी इंटू वन माइनस डी बाई आर ई, तो ये क्या आ जाएगा, वन माइनस डी बाई आर ई इज इक्वल टू जीरो, तो डी बाई आर ई इज इक्वल टू वन, तो डी इज इक्वल टू क्या, आर ई, मतलब ये अर्थ है, ये अर्थ है, इसके सरफेस से आप कितना नीचे चले जाओ, आर ई के बराबर चले जाओ, तो जब आर ई के बराबर चले जाओगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, अब सेंटर पे पहुँच जाओगे, तो सेंटर ऑफ अर्थ पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होता है, जीरो। नोट करो, एट सेंटर ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज जीरो।
एट सेंटर ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज जीरो, ठीक है, एट सेंटर ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज जीरो। दैट मीन्स अगर हम लोग सेंटर पे कोई ऑब्जेक्ट को रखें तो उसका वेट क्या होगा, जीरो, उसका वेट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। सेंटर पे किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका वेट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, नोट कर लो। अब हम लोग अगर ग्राफ ऑफ ड्रॉ करें वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन विथ आर तो क्या होगा, ध्यान से देखें। मैंने जो चीज पढ़ाई है, पहला पॉइंट मान लेते हैं ये अर्थ है, अर्थ के बाहर किसी पॉइंट पी पे अर्थ के बाहर किसी पॉइंट पी पे जो कि सेंटर से डिस्टेंस आर था, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी डैश हम लोगों ने कितना निकाला था बच्चा, जी एम ई बाई आर स्क्वायर, है ना। बाद में अगर ये हाइट सपोज एच है ना, हाइट एच है तो हम लोगों ने क्या कर दिया था, सारा वैल्यू रख के स्मॉल जी के टर्म में ले आए थे, स्मॉल जी इंटू आर ई बाई आर ई प्लस एच होल स्क्वायर, यहीं से तो ये चीज़ लेके आए थे, ये फार्मूला है ना। तो देखें जी डैश, अब यहाँ पे जी कांस्टेंट है, एम ई भी कांस्टेंट है, किसके, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन सिंपली बोले आउटसाइड सरफेस ऑफ अर्थ, अप किसी पॉइंट पे सेंटर से आर डिस्टेंस पे, है ना, इतना हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट एट सरफेस ऑफ अर्थ, एट सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ यानी कि यहीं किसी पॉइंट पे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आर किसके बराबर हो जाएगा, आर ई के, तो जी किसके बराबर आ जाएगा, जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर के। यहाँ पे स्मॉल आर की जगह पे आप क्या रख दो, आर ई भाई, एट सरफेस ऑफ अर्थ स्मॉल आर किसके बराबर हो गया, आर ई के बराबर, तो स्मॉल आर की जगह पे हम लोग ये रख देंगे। तीसरा इनसाइड अर्थ, यानी कि नोटेशन देखेंगे, यहाँ किसी पॉइंट पी पे जो सेंटर से कितना डिस्टेंस पे आर, या डेप्थ इसका सरफेस से स्मॉल डी है, तो अगर मैं स्मॉल आर के टर्म में लिखूंगा तो हम लोगों को कितना आया था बच्चा, जी का वैल्यू जी इंटू कितना आया था, जी इंटू कितना आया था, जी इंटू एम ई हाँ बाई आर ई स्क्वायर था, क्यूब था, क्यूब इंटू आर, यही आया था ना, याद करो। ये चीज पूरा कांस्टेंट है तो जी किसके प्रोपोर्शनल हो गया, आर के। अब इसी फार्मूले से हम लोगों ने ये फार्मूला ड्राइव किया था ना, कि जी इज इक्वल टू जी डैस वन बाई डी माइनस आर, थोड़ा वैल्यू एक्सचेंज करके। अभी मैं सब कुछ स्मॉल आर के टर्म में लेकर हूँ क्योंकि हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना, तो मैं अगर ये अर्थ मान लेता हूँ और मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ, y एक्सिस पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लिखता हूँ और x एक्सिस पे मैं r लेता हूँ, है ना, तो ये सेंटर ऑफ अर्थ, तो ये सेंटर, सेंटर पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जीरो होगी, तो हम लोग ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। जैसे जैसे हम लोग सेंटर से सरफेस की तरफ बढ़ रहे हैं जी का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये अपोजिट सेंस में बोलें, जब सरफेस से सेंटर की तरफ बढ़ते हैं तो जी का वैल्यू घटता है, तो सेंटर से जब सरफेस की तरफ बढ़ेंगे जी का वैल्यू बढ़ेगा, तो और कैसे बढ़ रहा है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन। सरफेस पे इस पॉइंट पे मैक्सिमम कितना हुआ, मैक्सिमम जी एम ई बाई आर स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होता है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद जैसे अभी देखिए यहाँ से चलना शुरू कर दिया, जैसे चल रहे हैं बढ़ रहा है स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग,
सरफेस से पहुंच गए, जी का वैल्यू मैक्सिमम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जैसे आप आगे चलेंगे तो अर्थ से बाहर चले जा रहे हैं, तो बाहर चले जा रहे हैं तो किस रिलेशन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, इस रिलेशन अकॉर्डिंग कि जी कैसे प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के। तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ओके, कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। हमने नीचे क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि आर है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो जी का वैल्यू भी किधर की तरफ है, नीचे की डायरेक्शन नीचे की तरफ, इसलिए हमने ऐसा ड्रॉ किया। ठीक है, या सिंपली हम लोग बोल सकते हैं किसी भी स्फेयर की वजह से, इसको नोट कर लिया होगा, किसी भी स्फेयर की वजह से, किसी भी स्फेयर की वजह से किसी भी स्फेयर की, मान लेते हैं कोई स्फेयर है जिसका मास m है, कोई भी स्फेयर है, कोई भी प्लैनेट हो सकता है, इसके सेंटर से अगर हम लोग प्लॉट करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू, तो ग्राफ ऐसा आएगा। अंदर जो है ग्रेविटेशनल फील्ड वेरी करेगा इसके अकॉर्डिंग, बाहर इसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा, और सरफेस पे क्या होगा, मैक्सिमम किसी भी मास के लिए, किसी भी प्लैनेट के लिए। ओके, नोट कर लो। हालांकि ये ग्राफ हम लोगों ने पढ़ना, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। ओके, नोट कर लिया, चलो। ओके, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।